हरे कृष्णा। अक्सर लोग पूछते हैं जब इस्कॉन के अंदर नए आते हैं, इस्कॉन मंदिर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत आलीशान मंदिर हैं, तो ये लोग मानते क्या हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इनका सिद्धांत क्या है। तो आज हम आपको हमारा सिद्धांत बताएंगे। हमारा सिद्धांत यह है, वही सिद्धांत है जो भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता में बताया है, जो सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। और वो सिद्धांत यह है कि हम जो हैं भगवान के नित्य सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं। जैसा भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है, और जिस प्रकार से भगवान सच्चित आनंदमय स्वरूप वाले हैं, उसी तरह से जीवात्मा का स्वरूप भी जो है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन चूँकि जीवात्मा भगवान को भूल चुका है, इसलिए वो क्या कर रहा है, इस संसार में आके दुख उठा रहा है। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी भगवद्गीता के इसी सिद्धांत के बारे में बताया है। तो जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। और जब हम भगवान को स्मरण रखते हैं, व्हेन वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, जब हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि भगवान बताते हैं और शास्त्रों में भी बताया गया है, और श्रील प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए जैसे ये उंगली है, तो उंगली जो है ये शरीर का अंश है, तो उस उंगली को अगर खुशी चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भोजन जो है वो पेट में डालना पड़ेगा। अगर वो पेट में भोजन डालेगा तो उसको भी संतुष्टि मिलेगी, उसको भी पोषण मिलेगा। लेकिन अगर ये उंगली सोचे कि ये बहुत अच्छा रसगुल्ला है और मैं इसको खुद ही खा जाऊँ, और उसको दबाने का प्रयास करे, तो उंगली जो है वो रसगुल्ले का आस्वादन नहीं कर पाएगी और उसको पोषण नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर जीवात्मा चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति हो, और ऐसा सुख हमें प्राप्त हो जो कभी भी नष्ट ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। और भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए, भगवान की सेवा करने का उपाय भगवान स्वयं बता रहे हैं वैदिक शास्त्रों में, और कलयुग के लिए विशेष रूप से भगवान बताते हैं, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग में भगवान की सेवा करने का सबसे सरल उपाय है कि भगवान के नाम का हम कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें। और भगवान के नाम का जप करने से, कीर्तन करने से, और भगवान की भगवद्गीता और भागवतम और अन्य वैदिक शास्त्रों में बताई हुई शिक्षा का पालन करने से हमें जो है वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। और इस संसार में जो आनंद प्राप्त होता है भगवान की सेवा के बिना, वो वास्तव में आनंद नहीं है, वो सुख जो है वो क्षणिक सुख है, वो थोड़े समय के लिए आएगा और फिर से चला जाएगा। इस संसार में जो सुख है उसके बाद हमेशा दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। और इस संसार का जो सुख है वो इस प्रकार का सुख है कि मान लीजिए कोई रेगिस्तान में भ्रमण कर रहा हो, कई दिन से भूखा हो, प्यासा हो, और उसको पीने के लिए केवल एक बूंद पानी दिया जाए, तो ऐसा पानी उसको संतुष्टि नहीं दे सकता। इसी तरह से इस संसार में जो भी सुख है उसको प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति असंतुष्ट बना रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति में जो सुख मिलता है वो हमेशा शाश्वत रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आप सुख में रहना चाहते हैं, हमेशा आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, और भगवान की बताई हुई शिक्षाओं का पालन करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद।